जारी रखिए। नीरज शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं आपको, और नीरज शर्मा इधर हाथ जोड़कर उपस्थित लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए सैकड़ों लोग मौजूद है यहाँ पर। आपको बता दें कि सेक्टर 56 राजीव कॉलोनी में विधायक नीरज शर्मा अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। लोगों ने यहां पहुंचने पर माला पहनाकर नीरज शर्मा का स्वागत किया, आप लोग देख सकते हैं। रिबन काट कर उद्घाटन करेंगे, आप लोग देख सकते हैं रिबन बंधा हुआ है। और ये देखिए साथ में बीएनए डाकर, ये देखिए विधायक जी ने रिबन काट दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपको कार्यालय भी दिखाएंगे, और इधर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ में वीरेंद्र डागर भी मौजूद है, अभी आपको कार्यालय भी दिखाएंगे। और ये देखिए पैर छूकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, और इधर भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए विधायक नीरज शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीरज शर्मा का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद हैं, और अभी आपको कार्यालय भी दिखाते हैं। देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार दूसरी बार NIT 86 से विधायक नीरज शर्मा को टिकट दिया है। अब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, यहीं से चुनाव का प्रबंधन होगा, आप लोग देख सकते हैं। दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, और यहां पर उपस्थित लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं विधायक नीरज शर्मा, और दोबारा से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विधायक नीरज शर्मा की टिकट घोषित कर दी है NIT 86 से। आप लोग देख सकते हैं, ये आगे जाओ, आगे लोग इतने सारे, कहाँ से कोई कवर करेगा। देखिए जी नीरज शर्मा पहुंच चुके हैं, और फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। अब कुछ बोलने चल रहे हैं, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे फरीदाबाद न्यूज पर। देखिए विधायक नीरज शर्मा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 56 राजीव कॉलोनी में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और अब अभी कुछ बोलने वाले हैं विधायक नीरज शर्मा, आपको लाइव सुनाएंगे। देखिए यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। हेलो, अंदर को निकल लगाए, अंदर को बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हेलो, देखिए इधर भी लोगों का हुजूम है, और एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्वी हमारे विधायक नीरज शर्मा जी पधारे हैं, उनके साथ आए दूर दराज से हमारे नेतागण मुनेश शर्मा जी, प्रदीप राणा जी, सबका इस गरीब और मलिन बस्ती में हार्दिक स्वागत है। पंडित जी जो दिखे है दिखे, यहाँ पहुँचने पर विधायक नीरज शर्मा का देखिए स्वागत कर रहे हैं लोग। बैठ जाओ भैया, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन, भैया सभी बैठ जाओ, बैठो भैया। चारों तरफ लोग मौजूद हैं, और नीरज शर्मा की झलक पाने के लिए सब देखिए बिल्कुल लालायित दिख रहे हैं एकदम। बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखे, इधर भी लोग मौजूद हैं, इधर भी लोग मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा के पिता स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की पुण्यतिथि भी थी, छठी पुण्यतिथि थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी श्रद्धांजलि देने आज नीरज शर्मा के आवास जवाहर कॉलोनी में पहुंचे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। अभी शाम को नीरज शर्मा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 में, और यहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं चारों तरफ।
हेलो कृपया अपना स्थान ले ले। अब नीरज शर्मा कुछ बोलेंगे तो आपको सुनाएंगे। आज हमारे बीच पुनः वह मौका आया है जब हम अपना भाग्य निर्धारित करने वाले हैं। दोस्तों भैया थोड़े मीडिया वाले थोड़े थोड़े साइड से हेलो तो बढ़िया। चार पंक्तियों से अपनी बात कहूंगा कि परिवर्तन ही जीवन, उनसे जाकर कह दो उनसे कि परिवर्तन ही जीवन, उनसे जाकर कह दो अनुकूल हवा तो हरदम चला नहीं करती, जनता जनार्दन की जब आंधी चलती है पैरों के नीचे धरती मिला नहीं करती। कि परिवर्तन ही जीवन, उनसे जाकर कह दो अनुकूल हवा तो हरदम चला नहीं करती, जनता जनार्दन की जब आंधी चलती है पैरों के नीचे धरती मिला नहीं करती। पाप का विरोध भी अगर पाप है तो हमें स्वीकार है यह पाप भी, अगर समझते हो इसे यह पुण्य है तो दोस्तों कुछ पुण्य कर लो आप भी। कि दोस्तों कुछ पुण्य कर लो आप भी, हक नहीं मिलता अगर तो छीन लो, अरे छोड़ दो सेना दमन अन्याय को, सिंह की बलि तो नहीं देता कोई, काटते सब भेड़ बकरी गाय को। अब हमें निर्धारित करना है कि हमें भेड़ बकरी बनके अपना जीवन गुजारना है या शेर बनके गुजारना है। हमारे बीच यशस्वी मंत्री परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा, उनके सुपुत्र जो उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और जिन्होंने पूरे हरियाणा में आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दोस्तों पार्टी ने आज उन्हें टिकट देकर हमारे बीच भेजा है और हम राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 1 की तरफ से विधायक जी, वर्तमान विधायक जी, भावी मंत्री जी, आपको आश्वस्त करते हैं आपको भारी से भारी संख्या में यहां जिताकर हम भेजेंगे। मैंने पहले अपने संबोधन में कहा था कि गरीब और मलिन बस्ती में आपका स्वागत है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही नारकीय जीवन हम यहां व्यतीत कर रहे हैं, न पीने का पानी है, न गंदे पानी की निकासी है, न सड़कें हैं, न गलियां हैं, न सीवर है, बिजली की समस्या ऐसी है कि कहने की आवश्यकता नहीं। रात के 12-12 बजे पंडित मुनेश भाई को मैं फोन करता हूं, पंडित जी कोई सुनने वाला हो तो कहीं फोन कर दो, कोई लाइट आ जाए। ऐसा नारकीय जीवन इस वर्तमान सरकार ने हमें दिया है। विशेष ना बोलते हुए जिनको आप सुनना चाहते हैं, उस क्रम में सबसे पहले विधायक जी का जो आप सब कह दो कोई नाम, हमारे विधायक जी का स्वागत करने के लिए सारी सरदारी जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रधान जी यहाँ की सरदारी विधायक जी का स्वागत करने के लिए आ रही है, कौन प्रधान जी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अब स्वागत करेंगे विधायक नीरज शर्मा का, विधायक जी का स्वागत करेंगे। लोग स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हैं, नई सियासी के विधायक नीरज शर्मा का, और पगड़ी बांध कर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से देखिए पगड़ी बांध कर स्वागत किया नीरज शर्मा की, जय के जिन नारे भी लगा भैया जिंदाबाद के, तो बढ़िया बस मोहन लगाओ बस भाई पे बात ध्यान दो। खाली जिंदाबाद ते नया काम चले, मोहन लगानी है सब मोहर खत्म। ताऊ जी पगड़ी बांध कर विधायक नीरज शर्मा का स्वागत कर रहे हैं, विधायक जी का स्वागत करते हुए राजीव कॉलोनी की सरदारी विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। की तरफ से जो पगड़ी पहनाई जा रही है मान सम्मान के स्वरूप, विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मान सम्मान के स्वरूप पगड़ी बांध कर स्वागत किया जा रहा है। पगड़ी बांध दी गई है, जीत का ताज पहन लिया बाबूजी ने, अब रोकने वाला यहाँ पर लोग कह रहे हैं। अब विधायक नीरज शर्मा ने जीत का ताज पहन लिया है। इसी क्रम में मैं सरदारी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच भाई प्रदीप राणा जी हैं, उनका पगड़ी बांध के स्वागत करें। नहीं नहीं नहीं, और नीरज शर्मा के साथ मौजूद प्रदीप राणा का भी पगड़ी बांध कर स्वागत होगा। आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे।